सो वेलकम बैक प्यारे व्यूवर्स। तो कैसे हो यार आप लोग, उम्मीद करते हैं यार आप लोग बहुत बढ़िया होगे। तो इस तरीके का जो ग्लो इफेक्ट हमारे वीडियो में लगा है और जो स्लो मोशन और कलर ग्रेडिंग जो हुई है, हर एक चीज का एडिटिंग अच्छी तरीके से सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आ जाएंगे हम लोग अपने होम स्क्रीन पे। तो जो कि ये वीडियो को हम लोग एडिट करने वाले हैं कैपकट एप्लीकेशन से, जो कि अपग्रेडेड कैपकट है। तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मेरे चले जाना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम पे जाके कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक वीपीएन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं जैसे सुपर वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं कैपकट को ऑन कर लूँगा वीपीएन कनेक्ट करके, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने वाले हैं और अपना कोई सा एक वीडियो ले लेना जिसमें आपको ग्लो इफेक्ट और कलर ग्रेडिंग करनी होगी। तो जैसे कि मैं इस वाले वीडियो को चूज कर लेता हूँ, तो ये वीडियो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ गई है। तो इसका लेंथ हम कुछ इतना ही रखेंगे क्योंकि इस वीडियो को हमें स्लोमो भी करना है। तो यहाँ बाकी का जो पार्ट था वो हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है। फिर स्पीड पे आना, नॉर्मल पे हम लोग क्लिक करने वाले हैं और इस साइड ला के हम लोग थोड़ा सा इसको स्लो करने वाले हैं वीडियो को। तो अब देख लेना, कम से कम 6-7 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए। बाकी आप अपने लेंथ के हिसाब से उसको स्लो कर सकते हो, बाकी आप अपने लेंथ के हिसाब से जितना रखना है वीडियो को रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा और हमारा वीडियो जो है देखो कितनी प्रॉपर तरीके से स्लोमो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको जो इसमें नेक्स्ट काम है, इसमें है ग्लो इफेक्ट को ऐड करना, ठीक है। तो ग्लो इफेक्ट को ऐड करने के लिए आपको आना पड़ेगा इफेक्ट वाले ऑप्शन पे। तो इफेक्ट वाले पे फिर वीडियो इफेक्ट पे आइएगा। तो जैसे वीडियो इफेक्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ढेर सारा इफेक्ट जो है ओपन हो जाएगा। तो आपको आना है कहाँ पे, थोड़ा सा आपको ऊपर से स्क्रॉल करके लाइट इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है और देखो पहले ही नंबर पे ये ड्रीमी ग्लो वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ये इफेक्ट यहाँ पे आपका लगेगा। यहाँ से एक बार और उस पर क्लिक करोगे तो एडजस्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ग्लो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना और रेंज यहाँ पे देख लो कुछ इस प्रकार से इतने पे रखना है और साइज भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। तो जितने पे परफेक्ट लगे वीडियो में उस हिसाब से आप इसको एडिट कर लेना। और उसके बाद ये जो ग्लो है इसको हम पूरे वीडियो में इस प्रकार से अप्लाई कर देने वाले हैं। उसके बाद इसमें जो है हम लोग करने वाले हैं कलर ग्रेडिंग, ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको दिखेगा एक एडजस्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो एडजस्ट पे आप क्लिक करना, फिर ब्राइटनेस को थोड़ा सा आपको करना है -3 पे रखना है और कॉन्ट्रास्ट को देखना बढ़ा घटा के, जैसे जितने पे परफेक्ट है तो हम इसको 8 पे रखते हैं। और उसके सेचुरेशन भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो जितना आपको बढ़ाना घटाना हो। तो इसको मैं 23 पे रखता हूँ। आप जो जैसा मैं कर रहा हूँ अगर आप वैसा सेम प्रोसेस भी फॉलो करोगे तो कलर ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी हो जाएगी। बाकी आप अगर अपने हिसाब से एडजस्ट करके कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ उस प्रकार से आप भी देख देख के कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो वीडियो पॉज करके देख लेना कि इसके कौन किसा कितने पे रुका हुआ है और उसके हिसाब से आप उसको भी अप्लाई कर देना और आपका भी कलर ग्रेडिंग कुछ इसी प्रकार से अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हाइलाइट्स वाले ऑप्शन पे आएंगे, हाइलाइट्स पे भी कुछ घटा बढ़ा देंगे, शेडोज को भी कर देंगे। और देखो जो मेन कलर ग्रेडिंग का पार्ट आया है हमारा टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर को प्लस नहीं करना, माइनस में ले जाना है। और देखो कितना अच्छा व्यू जो है हमारा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। जो मेन पॉइंट था यहाँ का कलर ग्रेडिंग सबसे बेस्ट था क्योंकि इसको हमें कुछ इस प्रकार से लाना था, ठीक है। विग्निटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कम या ज़्यादा कुछ भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख ही सकते हो कलर ग्रेडिंग भी हमारी हो गई है अच्छी तरीके से, ग्लो इफेक्ट भी काफ़ी अच्छी तरीके से लग गया है। बाकी कोई सभी एक अगर म्यूजिक ऐड करना है तो आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो नीचे म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाके, और यहाँ पे अपने डिवाइस में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो जो गाना आपको पसंद आए आप यहाँ पे एक गाना को पुट कर लेना और बाकी जो एक्स्ट्रा म्यूजिक आएगा कुछ इस प्रकार से उस पर क्लिक करके नीचे स्प्लिट करके इसको डिलीट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो वीडियो बनके पूरी तरह से रेडी हो चुका है और कलर ग्रेडिंग ग्लो इफेक्ट हर एक चीज लग चुका है। तो इसको वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां से आप एक्सपोर्ट कर लेना और ये जो वीडियो है आपके गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार अच्छी तरीके से ये चीज आप लोग सीख गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं गाइज हम लोग सीधा नेक्स्ट वीडियो में।